नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा टूथपेस्ट आपको बाज़ार से ख़रीदना चाहिए। अक्सर ये देखने में आता है कि आप जो मीठा लगता है वो टूथपेस्ट मार्केट से ख़रीदते हैं। टूथपेस्ट का रंग लाल हो या सफ़ेद, इसका आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसका स्वाद मीठा होना चाहिए। अक्सर हम इसी बात पर ध्यान देते हैं। तो दांतों को सेहतमंद बनाने के लिए टूथपेस्ट एक प्राथमिक उत्पाद है, इसलिए आपको टूथपेस्ट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और इसके जो फायदे और नुकसान हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेंसिटिव टूथपेस्ट क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, हर 10 में से एक भारतीय दांतों में संवेदनशीलता की वजह से होने वाले दर्द से पीड़ित है और इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से दोगुनी है। अधिक गर्म और ज़्यादा ठंडा खाने की वजह से दांतों में दर्द होने लगता है। ऐसे दांतों के लिए ऐसे टूथपेस्ट की ज़रूरत है जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है जो दांतों को सुन्न करके उनमें आराम पहुंचाता है, मगर ये दांतों का इलाज नहीं करता, सिर्फ दर्द से राहत देता है। इस समस्या के लिए आप दंत चिकित्सक से मिल सकते हैं। अब बात आती है दांतों की सफ़ेदी की। तो लंबे समय तक चाय कॉफ़ी पीने, स्मोकिंग करने से दांतों पर पीलापन आ जाता है और ऐसे में दांतों को चमकाने का काम करता है वाइटनिंग टूथपेस्ट। इस प्रकार के टूथपेस्ट में ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे बेकिंग सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते रहने से आपके दांत संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए इस पेस्ट को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अब आता है कैविटी से लड़ने वाला टूथपेस्ट। 1960 में अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने इस टूथपेस्ट को स्वीकृति दी थी। इसमें फ्लोराइड मुख्य घटक होता है जो कैविटी से रक्षा करता है, लेकिन आपको सुबह और रात के समय सोने से पहले ब्रश करना होगा, तभी कैविटी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस तरह का जो टूथपेस्ट होता है वो हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ऐसे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो टूथपेस्ट को कई बार निगल जाते हैं। अब बात करते हैं टार्टर कंट्रोल टूथपेस्ट। खाने के बाद दांतों पर भोजन की बारीक परत जम जाती है जिससे दांतों का मैल यानी टार्टर कहते हैं, इसलिए अक्सर डॉक्टर खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करने की सलाह देते हैं। ऐसे में अगर दांतों को सही तरीके से सफाई न किया जाए दांतों की, तो दांत खराब होने लगते हैं। इस समस्या के लिए टार्टर कंट्रोल टूथपेस्ट फ़ायदेमंद होता है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है सोडियम फ्लोराइड को, जो दांतों के मैल को साफ करता है, लेकिन हर बार ब्रश करना संभव नहीं है। ऐसे में खाने के बाद फ्लॉसिंग करना या कुल्ला करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आप टूथपेस्ट चुनते समय ध्यान दें। टूथपेस्ट का चुनाव करते समय कुछ अन्य चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि टूथपेस्ट इंडियन डेंटल एसोसिएशन से प्रमाणित होना चाहिए। प्रोडक्ट की सील जरूर चेक करें। टूथपेस्ट जिसमें ट्राइक्लोजन जैसे केमिकल हों उन्हें खरीदने से बचना चाहिए। ट्राइक्लोजन जिंजिवाइटिस और प्लाक से बचाव करता है। वहीं दूसरी ओर ट्राइक्लोजन को ब्रेस्ट, ओवेरियन और टेस्टिकुलर कैंसर से भी जोड़ा जाता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप नेचुरल चीज़ों से बना हुआ टूथपेस्ट डॉक्टर की सलाह पर इस्तेमाल कर लें। ज़्यादातर दंत चिकित्सकों का मानना है कि विज्ञापन की चकाचौंध से अलग सामान्य आयुर्वेदिक टूथपेस्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मीठा जो टूथपेस्ट आता है वो आप केवल मिठास के लिए खरीदते हो, या फिर आपको ऐसा होता है कि आपको खारा नहीं लगना चाहिए, मुंह में बिल्कुल भी मीठा मीठा लगना चाहिए, तो ये काफ़ी बार नुकसान करता है। अब आप अपना टूथपेस्ट खरीदते समय आप इन बातों का ध्यान रखें जो हमने आपको वीडियो में बताई हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।